ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्न मिलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमिन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वभावान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए मेरे बहन भाइयों सत्संग प्रेमी जनों श्रीमद् भागवत गीता के नवे अध्याय से हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहला श्लोक पिछली कड़ी को इस कड़ी से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि ये श्लोक पहले पढ़ा जा चुका है लेकिन व्याख्या नहीं कर पाए, तो आइए इसको पुनः दोहरा रहे हैं। श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। हे अर्जुन, अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान उपदेश करूंगा जो रहस्य में है। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। भगवान ने अब तक जो गीता में ज्ञान दिया है, उपदेश किए हैं, ध्यान मार्ग कर्म योग इत्यादि आत्मज्ञान नैनम आत्मा का नाश नहीं इत्यादि, लेकिन भगवान इस नवे अध्याय में आकर के बड़ी गंभीरता से अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं अब तुझे उस ज्ञान को विज्ञान के सहित कहूंगा जो बड़ा रहस्यमय है। तो जैसे मैंने कहा था कि ज्ञान एक बात है और विज्ञान एक बात है। ज्ञान है सुनना, आपने सुन लिया, पढ़ लिया आध्यात्मिक पुस्तकों से या गुरुजी के मुखारविंद से सुन लिया और समझ गए। गुरुजी ने कहा कि बेटा, जल में अगर जल गहरा हो और आदमी से तैरना नहीं आता हो और वो उसमें कुद्दी मारे तो जरूर डूबने का खतरा है, डूब जाएगा, मर जाएगा। शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं समझ गया, अब मैं गहरे जल से दूर रहूंगा। ये तो ज्ञान है, विज्ञान है इसका अनुभव कि जिसने गहरे जल में डुब्बी मारी है और डूबते ही और डुब्बी डुबकी मारते ही वो डूब गया है, यदि तैरना नहीं जाने तो मर चुका होता। तो ऐसे सतगुरु जी कहते हैं कि मैंने इसका अनुभव भी किया है
और ये रहस्यमय ज्ञान अब मैं तुम्हें कहूंगा। जिस ज्ञान को सुनने से, जिस ज्ञान को जानने से, जिस ज्ञान का अनुभव करने से अशुभों का नाश हो जाता है, अशुभों से मुक्ति मिल जाती है। अशुभ क्या है यह भी जानना जरूरी है। पहली बात, श्रवण क्रिया का यहां पर वर्णन हो रहा है, क्योंकि भगवान ने तो पहले ही कहा है कि किसी भगवान के भक्त के द्वारा ज्ञान हासिल करना चाहिए तो कुछ सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको प्रैक्टिकल करने लगता है, भगवान का भजन करता है, जप करता है, भगवान की सेवा करता है, सत्य पथ पर चलता है इत्यादि, अनुभव करता है, प्रैक्टिस करता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, मेरे ऐसे किसी शुद्ध भक्त के चरणों में जाके प्रणाम कर जो मुझे तत्व से जानता हो कि वास्तव में मैं कौन हूं। अभी विशेष संप्रदायें चल रही हैं जो उनके गुरु अपने आप को ही भगवान कहते हैं, या फिर जो वास्तव भगवान है उनको नकारते हैं। भगवान की वाणी को भी काटने का प्रयास करते हैं। भगवान की वाणी को तो भला कौन काट सकता है, ये प्रयास तो करते ही हैं और अपने वाणी को प्रमुखता देते हैं, चाहे उस वाणी से सामने वाले को कोई फायदा हो या न हो। ऐसे पाखंडी गुरुओं के जाल में बहुत फंसे हुए हैं, हजारों लाखों करोड़ों फंसे हुए हैं। सत्य ज्ञान पाने के लिए सच्चे भक्त के पास जाना पड़ता है, भगवान का जो सच्चा भक्त है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो ज्ञानी लोग तत्व से मुझे जान गए हैं। तत्व क्या है? ज्ञान तो है, प्रकांड विद्वान है वेदों के, शास्त्रों के, गीता भागवत के, लेकिन भगवान को विज्ञान के साथ नहीं समझ पाए, तत्व से नहीं समझ पाए। ये तत्व ही प्रैक्टिकल अभ्यास है, भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा प्रैक्टिकल है और तत्क्षण फलदायिनी है। इससे अनुभव होता है भगवान का। लेकिन भगवान यहां इस ज्ञान और विज्ञान को जो रहस्यमय है, अति रहस्यमय, ये अर्जुन को कहने जा रहे हैं। इसको जान लेने से अशुभों से मुक्ति हो जाती है। गुरु महाराज कहते हैं कि ये संसार ही अशुभ है, ये संसार में भगवान की सृष्टि नहीं, भगवान की सृष्टि तो शुभ है, सत्स्वरूपा है, लेकिन जहां जिस परिस्थितियों में हमने ये शरीर प्राप्त किया है, 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, भौतिक वासनाएं, काम, क्रोध, मद, मोह, ये जो सारे लिपटे हुए हैं सारे समाज में, ये अशुभ है। समाज में अगर सर्वत्र पवित्रता हो तो कोई अशुभ नहीं है। यहां तो ऊपर के लोग भी नीचे आने लगेंगे। इस संसार, भौतिक संसार में भोगों के चक्कर में लोग उतरते हैं नीचे, क्यों? यहां भोग है।
भगवान ने यहां ये सुविधाएं उपलब्ध की है भोग विलासों की, और मिनट फ्रीडम भी दी है, स्वतंत्रता भी। तो ये अशुभ है, ये शरीर तमोगुण से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व ये अधम शरीरा, इस शरीर को ये अधम कहा है तुलसीदास जी महाराज ने। ये तमोगुण से बना हुआ शरीर है, इसलिए इसमें तमोगुणी वासनाएं ज्यादा शीघ्रता से आती है। रजोगुण से हमारी इंद्रियां बनी हुई है, जो जो इंद्रियां रजोगुण से बनी है उनको तो भोग चाहिए। तो यही अशुभ है, ये शरीर ही अशुभ है यदि इससे भगवान का भजन नहीं किया जाए तो। यदि शरीर से भगवान की सेवा नहीं की जाए तो अशुभों से मुक्ति प्राप्त कराने के लिए भगवान अर्जुन को रहस्य में ज्ञान, जो विज्ञान के सहित है, अनुभव के सहित है, उसे कहने जा रहे हैं। हम बहुत सी चीजों को समझ नहीं पाते और उनको शुभ मानने लगते हैं, लेकिन वो रिजल्ट जब उनका आता है, अंतिम परिणाम, वो अशुभ ही होता है। जैसे ग्रीड है, काम है, या क्रोध है, या लोभ है, या मोह है, इसका परिणाम अशुभ है। तो इन अशुभों से मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान ये रहस्य में ज्ञान अर्जुन को उपदेश करने जा रहे हैं। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तो इस गीता को भी समझने के लिए, या भागवतम को समझने के लिए, या वेदों को या पुराणों को समझने के लिए भगवान का कोई शुद्ध भक्त आपको मिले तो आपको सही सही समझाएगा, समझदारी देगा, तब आपको भ्रमों से निकालेगा, आप भ्रमित नहीं होंगे और भगवान को ठीक ठीक जैसे वो हैं ऐसे समझने लगेंगे, कोई भ्रम पैदा नहीं होगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता को ही राज विद्या कह के पुकारा है। ये पूरी भागवत गीता ही राज विद्या है, विद्याओं की राजा है। यह समझने की वस्तु है दो प्रकार से, दो चीजों को समझना जरूरी है। एक प्रकार से तो लोग समझते हैं कि विद्या यानी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की विद्या, इन विद्याओं का तो शास्त्र में वर्णन हुआ नहीं है। जो पेट भरने की विद्याएं हैं, या बिल्डिंग बनाने की विद्याएं हैं, या बच्चे पैदा करने की विद्याएं हैं, नहीं, यहां पर तो विद्या उसको कहा है जिस विद्या को प्राप्त करके ये मनुष्य अशुभों से छूट जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, इटर्निटी की और चला जाता है। ऐसी विद्या, तो इन विद्याओं में कई विद्या हैं, हठ योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। भगवान ने कहा कि ये जो अभी मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं ये राज विद्या है। श्रीमद् भागवत गीता का
कंक्लूजन यानी निचोड़ एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरणागति और उनकी भक्ति है। इसलिए मैंने कहा कि ये भागवत गीता ही राजविद्या है। भगवान यहां ये राजविद्या को यहां उद्घटित कर रहे हैं, कहने जा रहे हैं कि राजविद्या कैसे, ये राजविद्या है, ये कैसे रहस्यमय ज्ञान है। राजविद्या राजगुहम, भगवान कह रहे हैं कि ये जो मैं अभी कहने जा रहा हूं ये विद्याओं की राजा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नवा अध्याय जो भगवान इन ये रहस्य को पर्दा उठा रहे हैं, ये विद्या विद्याओं की राजा है। इससे ऊपर कोई, सारी विद्या इसके नीचे है। राजविद्या राजगुहम और जितने भी सीक्रेसीज हैं, रहस्य हैं, उनमें राज रहस्य है, यानी प्रमुख रहस्य है। राजविद्या राजगुहम पवित्रम, पवित्रम प्योर 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 नॉलेज, पवित्र विद्या, जिस विद्या में कर्म योग नहीं मिला हुआ है, ज्ञान योग नहीं मिला हुआ है, ध्यान योग नहीं मिला हुआ है, पवित्र विद्या यानी प्रेम भरी विद्या। प्रेम सबसे पवित्र है, प्रेम से पवित्र कोई चीज नहीं है। इसलिए ये पवित्र, पवित्रम पवित्र कह के भगवान ने कहा है कि अभी जो मैं विद्या देने जा रहा हूं ये अति पवित्र है, प्योरेस्ट है। इदम उत्तमम, और उत्तमों में उत्तम है, उत्तम है, उत्तम से ऊपर तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। राज विद्या राजगुहम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम, और प्रत्यक्ष फल देने वाली है। ये नहीं कि आज ये विद्या को उपयोग करेंगे विद्या का तो कल ये फल देगी, ना ना, अभी देगी, अभी अभी इसी समय। ये क्या है, ये है भगवान की भक्ति। क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूं, भगवान के बोलने से पहले ही इस चीज को बोल रहा हूं, वरना आप कंफ्यूज होंगे कि मैं बोल क्या रहा हूं। भगवान इस नवे अध्याय में अपनी भक्ति की चर्चाएं करेंगे कि भक्ति को ही प्रधानता देंगे, भक्ति ही प्रधान है। भगवान कह रहे हैं प्रत्यक्षावगमन, नारद भक्ति सूत्र एक बहुत सुंदर शास्त्र है जिसमें नारद जी ने भक्ति की व्याख्या की है। वहां पर नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति ही एकमात्र साधन है जो प्रत्यक्ष फल देती है, प्रत्यक्ष अभी करो अभी फल देती है। ये नहीं अभी करो और शाम को फल देगी, नहीं, या कल फल देगी, नहीं, अभी फल देगी। प्रत्यक्ष आओगे मैं, प्रेम अभी करोगे तो तुरंत फल देता है, प्रेम तो फल दाता है, तुरंत फल दाता। तुम किसी को प्रणाम करते हो तो क्या तुमको तुरंत प्रणाम नहीं मिलती, मिलती है। प्रणाम नहीं करो तो उसका रिएक्शन शायद कल और 10 दिन बाद आ जाए, आए, लेकिन प्रणाम करो तो तुरंत आता है, तुरंत प्रणाम मिलती है सामने से। किसी को आप किसी भी रूप से प्रसन्न करते हो तो आपको प्रसन्नता नहीं होती। तुम थोड़ा ज्वार के दाने लेके कबूतरों को डालो, तुमको डालते समय प्रसन्नता नहीं होती, तुरंत प्रसन्नता होती।